हेलो व्यूअर्स, जो इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो व्यू कर रहे हैं वो लाइक कर दे। आज मैं डिस्कस कर रही हूँ एनीमिया और होम्योपैथिक मेडिसिन। एनीमिया मीन्स बॉडी में ब्लड की कमी। हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन मेल का 12-16% और फीमेल में 11-14% के बीच होना चाहिए। अब एनीमिया क्यों हो जाता है? एनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी। बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेने से भी एनीमिया हो जाता है। हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल का ना खाना। बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड बह जाने से भी एनीमिया हो जाता है। बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी होने के कारण, पेट में अधिकतर इन्फेक्शन रहने के कारण भी एनीमिया हो जाता है। जेनेटिक कारण है, कुछ लोग को एनीमिया बचपन से ही होता है। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना एनीमिया है। इसका फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करें? आई का कंजक्टिवा टेस्ट करेंगे, स्किन को देखेंगे, उसका कलर का पेल हो जाना, नाखून का पीला पड़ जाना, इससे एनीमिया का पता लगाया जा सकता है। अब इसमें लक्षण क्या है? टाइट फील करना, शरीर में कमजोरी और थकावट होना, काम करने का मन नहीं होना, आँखों का पीलापन, स्ट्रेस लेना, हेयर फॉल ज़्यादा होने लगता है, हेडेक, हमेशा सर लगातार दर्द होना, जीभ नाखून एवं पलकों में सफ़ेदी दिखना, काम करने का मन नहीं करना, लेट कर उठने से आँखों में अंधेरा छा जाना और चक्कर फील होना, त्वचा का पीलापन हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, पैल्पिटेशन, हृदय गति का तेज हो जाना, तलवों और हथेलियों का ठंडापन हो जाना, ये सब लक्षण है एनीमिया के। अब होम्योपैथिक मेडिसिन। पहली मेडिसिन है फेरम प्लस। फेरम प्लस एक पैटेंट मेडिसिन है। यह एनीमिया के लिए बहुत ही अच्छी टॉनिक है। यह प्रेगनेंसी के समय यूज होने वाली आयरन टॉनिक है। हाउ टू यूज? एडल्ट्स 1 टेबल स्पून 3 टाइम्स, चिल्ड्रेन 1 टीस्पून 3 टाइम्स। दूसरी मेडिसिन है बायो नंबर वन एनीमिया के लिए बेस्ट है। हाउ टू यूज? एडल्ट्स 5 टेबलेट्स 3 टाइम्स, चिल्ड्रेन 2 टेबलेट्स 3 टाइम्स। तीसरी मेडिसिन है चाइना थर्टी का यूज। बहुत ज़्यादा ब्लड का एक्सेसिव का डिस्चार्ज हो गया है तब चाइना 30 2 ड्रॉप्स 2 टाइम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।